एक्सटिंक्शन। जिस किसी ने भी ये नाम सोचा होगा वो बेहद ही स्मार्ट होगा। ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक अजीब सा डर आ जाता है। हालांकि हम ह्यूमन स्पीसीज आज इतना इवॉल्व कर चुके हैं कि कोई दूसरी स्पीसीज हमें एक्सटिंक्ट नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हर कोई एक्सटिंक्शन से डरता है। अब जरा एक बार सोच कर देखिए, आप अपनी पूरी स्पीसीज के एक अकेले बंदे बचे हैं। सोचने में ही कितना डरावना लगता है ना। मैं आपको बता दूं कि हमारे अर्थ पर बहुत से स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और उनमें से बहुत से ऑर्गेनिजम्स कभी ना कभी अपनी स्पीसीज के आखिरी जानवर हुए होंगे। अब मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपने सिर्फ एक ऐसे एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट के बारे में सुना होगा जिसमें अर्थ के मैक्सिमम लाइफ फॉर्म्स मारे गए थे, जो था डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन। लेकिन यार, अगर मैं कहूँ कि हमारे अर्थ पर एक से ज्यादा एक्सटिंक्शन हुए थे, तो सिर्फ इतना ही नहीं, इन एक्सटिंक्शन में करोड़ों ऑर्गेनिजम्स मारे गए थे और ये सब हुआ था डायनासोर्स के भी आने से पहले। तो आखिर कौन थे ये ऑर्गेनिजम्स और क्यों ये एक्सटिंक्ट हो गए थे, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं कि डायनासोर्स के पहले हमारी धरती कैसी हुआ करती थी। दोस्तों, आज हम अपनी धरती के चारों ओर देखते हैं जो एक शांत सा वातावरण देखने को मिलता है। लेकिन जितना कि आपको लगता है, हमारी धरती हमेशा से इतनी शांत और रहने लायक जगह नहीं थी, बल्कि आज से 4 अरब साल पहले धरती पर जीवन उत्पन्न हुई थी। लेकिन सिर्फ उसके और 1.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ का हाल कुछ और ही हुआ करता था। हमारी धरती हाल ही में बहुत सारे धमाकों से गुजरा था। सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन की वजह से कई हजार टन के रॉक बॉडीज प्लैनेट पर लगातार गिर रहे थे और तब हमारी धरती का क्रस्ट मोल्टेन मैग्मा से बना हुआ था। बहुत से रॉक्स के टकराने से ये क्रस्ट टूटने लगा था। हालांकि इसके सिर्फ 1 अरब साल बाद ऐसी चीज पैदा हुई जिसे हम जिंदा कह सकते हैं, और उस वक्त में अर्थ का सरफेस बहुत ही स्मूथ था। जिन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आज माउंटेन्स बने हैं वो बिल्कुल सीधे थे और हमारे प्लैनेट का सरफेस बिल्कुल एक समान हुआ करता था। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 0% ऑक्सीजन था और उसके बजाय धरती पूरी तरह से वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड से ढकी हुई थी। एक देखने वाली बात तो ये थी कि उस वक्त में सूर्य का प्रकाश आज के मुकाबले में बहुत ही कम था। कुछ एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि उस वक्त सूरज का प्रकाश आज के मुकाबले में 30% कम था, और ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद हमारी धरती बहुत ही डार्क जगह हुआ करती थी। फिर भी ये बात इतनी ज्यादा साफ नहीं है, क्योंकि हमारा चांद तब धरती से बहुत ही क्लोज हुआ करता था और इस वजह से एक दिन करीब 10 घंटे लंबा हुआ करता था। अब हमारे चांद की वजह से जो टाइडल वेव्स है वो उस वक्त में 300 मीटर्स तक लंबे हो जाया करते थे। अब धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी, एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी बारिश के रूप में गिरने लगी, और पहले के वक्त में बारिश से गिरने वाला पानी बहुत ही ज्यादा खट्टा, सॉल्टी और गर्म हुआ करता था। परंतु अजीब बात यह है कि इसी कंडीशन में प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स ने जन्म लिया और फिर वहां से इवॉल्व करने लगे। अब उस वक्त में एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स ने जन्म लिया था। इन ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती थी, उन्हें दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी की हेल्प से सरवाइव करना था। एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स ने स्विम करना नहीं सीखा था, इसीलिए वो सबस्ट्रेट नाम की एक जगह पर रहा करते थे। ये एक ऐसी जगह होती है जहां ऑर्गेनिजम्स अटैच हो जाते हैं और इवॉल्व करने लगते हैं। एक सबस्ट्रेट कोई लिविंग या नॉन लिविंग चीज भी हो सकती है। अब इस हार्श एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स ने सरवाइव करना सीख लिया था। हमारी पृथ्वी तेजी से ठंडी हो रही थी और समुद्र के लेवल ऊपर आने लगे और सूरज धीरे धीरे साइज में बढ़ने लगा। कोस्टल एरियाज जहां पर लाइफ की उत्पत्ति हो सकती थी वो भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। वहीं धरती पर जितनी भी नदियां और समुद्र थे उसमें अभी किसी भी तरह का रियल लाइफ नहीं था। अगर कोई डाइवर उस वक्त में जाकर पानी में देखेगा तो उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तौर पर बस सेडिमेंटरी रॉक्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। अब इन रॉक्स की हाइट कई मीटर्स तक लंबी हो जाती थी और ये प्राइमोर्डियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनी थी। अब एक देखने वाली बात यह है कि उस वक्त में स्कैवेंजर्स नाम के जीव नहीं थे जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खा के ओशियन को क्लीन कर सकते थे। इस वजह से बहुत से डेड ऑर्गेनिजम्स सी फ्लोर पर करोड़ों साल तक पड़े रहे और आज के समय में वो ऑयल फील्ड्स बन गए हैं। अब करीब 3.5 बिलियन ईयर्स पहले ऐसे क्रिएचर्स का जन्म हुआ जिन्होंने धरती के रंग रूप को बदल कर रख दिया। कुछ बैक्टीरियाज ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सीख लिया जिससे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है। सिर्फ इसी चीज ने हमारी हिस्ट्री को वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल एक्सटिंक्शन कॉज किया।
अब दोस्तों किसी भी एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। इसीलिए टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ऑक्सीजन पैदा करने वाले बैक्टीरियाज का जन्म होने लगा, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होने लगे। इसे द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट भी कहा जाता है। इस घटना के ज्यादा फॉसिल्स मौजूद नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि जिन एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स को बिलियन ईयर्स लग गए थे इवॉल्व होने में, वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। अब हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में मीथेन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, इस वजह से टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे ये मीथेन कम होने लगा, प्लैनेट का टेम्परेचर कम होने लगा और अंत में इसी की वजह से हिरोनियन ग्लेशिएशन आ गया, जो कि सबसे लार्ज स्केल का आइस एज था। ये 204 अरब साल पहले शुरू हुआ था और करीब 300 मिलियन ईयर्स तक लगातार चला था। अब आप समझ गए होंगे कि हमारी धरती एक बहुत बड़ा स्नो का बॉल बन गया था। अब जरा सोचिए, धरती को 1.5 बिलियन ईयर्स लग गए हॉट बॉइलिंग लावा से बर्फ का रेगिस्तान बनने में, फिर भी इस बर्फीले रेगिस्तान में जिंदगी ने अपनी उम्मीद नहीं तोड़ी। 400 मिलियन ईयर्स पहले ज्यादातर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इक्वेटर के पास मौजूद कोस्टल एरियाज में रहने लगे, लेकिन इतने सारे जो कॉन्टिनेंट्स बन गए थे उन पर क्या हो रहा था? वेल, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इन लैंड्स के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भरमार थी, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग हो रहा था। कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ मेटल के ओर्स और नए रॉक फॉर्म हो रहे थे। एक वक्त में धरती का सरफेस अंतहीन ग्लेशियर्स और स्टोन डेजर्ट्स से घिरा हुआ था। इसे इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 500 मिलियन ईयर्स पहले हमारा प्लैनेट बिल्कुल मार्शियन प्लैनेट की तरह ही दिखाई देता था। लेकिन यार, हमारे पृथ्वी के क्रिएचर्स ज्यादा लकी थे। सूरज और ज्यादा ब्राइट और गर्म होते जा रहा था और फाइनली सारे आइस ग्लेशियर्स मेल्ट होते चले गए। उसके बाद आया फेनेरोजोइक इओन। इसका ये नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस सदी में ऐसे क्रिएचर्स पैदा हुए थे जो विजिबल थे। अलग अलग स्पीसीज इवॉल्व होते गए, वहीं कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट होते गए। और उस वक्त में आज की तरह कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, तब एक बहुत बड़ा गोंडवाना नाम का कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जो आज के अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया और द इंडियन पेनिनसुला और दूसरे एरिया से मिलकर बना हुआ था। 444 मिलियन ईयर्स पहले तक भी धरती पर कोई मेजर लाइफ फॉर्म्स नहीं आए थे, बस कुछ मोजेस अपना डोमिनेंस लैंड पर कवर कर रही थी। और दुनिया के सबसे पहले प्लांट्स टाइडल एरियाज और रिवर्स के बीच में उगने लगे। हालांकि दोस्तों, मरीन या सी लाइफ के क्रिएचर्स बहुत ही अलग अलग तरीकों से इवॉल्व कर रहे थे और नए नए स्पीसीज बना रहे थे, वो फिर भी ज्यादातर कोस्टल एरियाज में ही अपने आप को स्थित रखते थे। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह भी है, सी के अंदर के ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाने लगे थे और उस वक्त में पानी के 10 मीटर अंदर तक के एरिया में ही ये ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस से सर्वाइव कर सकते थे, इसीलिए वो ज्यादा गहरे पानी में नहीं जाया करते थे। लेकिन आज के टाइम में ये ऑर्गेनिज्म 100 मीटर अंदर से भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 420 मिलियन ईयर साल पहले से लेकर 358 मिलियन ईयर साल पहले के बीच में पहले डीकम्पोजर एनिमल्स पैदा हुए। इन ऑर्गेनिजम्स ने डेड चीजों को खाना शुरू कर दिया और इसके बाद वाले पीरियड को कार्बोनिफेरस पीरियड कहते हैं। और ये 358 मिलियन साल पहले से लेकर 299 मिलियन साल पहले तक के बीच का पीरियड था। जब वो टाइम पीरियड शुरू हुआ था, तब ट्रॉपिकल एरिया के ज्यादातर इलाके ट्री फर्न से कवर्ड था। घने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पेड़ मास की तरह ग्रो नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त में लैंड पर कोई भी ऐसा डीकम्पोजर नहीं था जो वुड को खा सके। अब ज्यादातर ट्रीज बहुत पुराने होकर खाली ट्रंक बन जाते थे, इस वजह से वो अपने अंदर के न्यूट्रिएंट्स को दूसरे इंपॉर्टेंट प्लांट्स में ट्रांसफर नहीं कर पाते थे, वो ऐसे ही पड़े रहते थे बिना डीके हुए। अब आप ऐसे समझ ही गए होंगे कि इन डेड वुड का एक रेगिस्तान जैसा बन गया था जो डीकम्पोज नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक तरह से ये इंसानों के लिए एक अच्छी खबर थी, क्योंकि आज के समय में ही वो जगह है जहाँ पर ये पेड़ डीकम्पोज नहीं हो पाए थे, वो कोल के खदान बन चुके हैं जिनको जलाकर आज हमें बिजली मिलती है। अब ट्रॉपिकल एरिया से अलावा दूसरे एरियाज में फंगी मोजेस और लीचेन जैसे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे थे। ये वो वक्त था जब तरह तरह के फिशेस ब्यूटीफुल तरीकों से इवॉल्व कर रही थी, लेकिन फिर भी ये मछलियां अब तक खुले ओशियन में नहीं जा पाई थी। एल्गी जैसे जीव ने तैरना नहीं सीखा था और सभी सी लाइफ फॉर्म्स कोस्टल एरियाज में ही रहना पसंद करते थे। कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद आया परमियन पीरियड। ये करीब 299 मिलियन ईयर साल पहले शुरू हुआ था और 252 मिलियन ईयर्स पहले खत्म हुआ था।
अब दुनिया के पहले एम्फीबियंस यानी कि ऐसे जीव जो पानी और लैंड दोनों पर ही जिंदा रह सकते थे, उन्होंने हिम्मत करके जमीन को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। प्लांट्स सब ट्रॉपिकल एरियाज तक फैल गए थे, लेकिन जब परमियन पीरियड खत्म हुआ तब करीब 96% मरीन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए और 73% लैंड स्पीसीज की डेथ हो गई थी। अब ये वन ऑफ द मेजर ग्लोबल एक्सटिंक्शन था जिसकी ठोस वजह आज तक कोई नहीं बता पाया। परमियन पीरियड के बाद आया ट्रियासिक एरा, ये मेसोजोइक पीरियड के अंदर आता है। इस पीरियड में लाइफ एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया। लैंड एनिमल्स ज्यादा मात्रा में देखे जाने लगे, समुद्र के अंदर ब्लू ग्रीन कलर के एल्गी पैदा हुए जिन्हें एक जगह रहने की जरूरत नहीं थी, वे ओपन सी के अंदर जाने लगे। अब क्योंकि वो बहुत सारे मरीन लाइफ स्पीसीज का खाना हुआ करता था, इसीलिए उसके पीछे पीछे दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी ओपन सी में जाने लगे। मेसोजोइक एरा 250 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था और 66 मिलियन ईयर्स तक चला था। और इसी पीरियड में सबसे फेमस एराज थे जुरासिक एरा और क्रिटेशियस एरा। और आप यहां बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसी एरा में दुनिया के सबसे फेमस जीव डायनासोर्स पैदा हुए थे। डायनासोर्स ने 165 मिलियन साल तक धरती को रूल किया और अंत में जब कोई चीज उन्हें एक्सटिंक्ट नहीं कर पा रही थी, तब भगवान ने आसमान से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा दिया और धाएं सब कुछ खत्म हो गया। और उसके बाद आए हम इंसान, जो कि आज तक इस धरती पर है, लेकिन कब तक रहेंगे इसके बारे में कोई नहीं जानता। क्या हमें कोई बाहरी पत्थर आके उड़ा देगा या फिर हम इंसान खुद ही को उड़ा देंगे? इस सवाल का जवाब आप मुझे दो नीचे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।